Students, welcome in Napala online education platform. In previous video, we have discussed about the characteristics of particles of matter. In this video, we are going to discuss about the states of matter. According to previous knowledge, up to class 8 standard, we have learnt that matter can exist in three states. Three states of matter are solid state. Its example is ice. Second state is liquid state. Its example is water. Third state is gaseous state. Its well-known example is water vapor. Now, scientists are talking of five states of matter. Fourth state is known as plasma state. And fifth state is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Mainly, ye three state देखने को मिलती है अपने ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ओनली स्पेशल कंडीशन में बनती हैं. जो प्लाज्मा स्टेट है वो अपने देख सकते हैं, जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं, उसके अंदर अपने ये देख सकते हैं प्लाज्मा स्टेट. और जो सन एंड अदर जो स्टार्स हैं उनके अंदर भी ये स्टेट बनती है प्लाज्मा स्टेट. जैसा कि अपने जानते हैं सन भी एक स्टार है, उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट बनती है. फिफ्थ स्टेट Bose-Einstein condensate. इसकी डिस्कवरी में अपने इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उनका काफी रोल था. Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density. Now we are going to discuss these three states of matter in detail. Now we are going to learn full detail about the different states of matter with the help of comparative table. जैसा कि आपने देख सकते हैं कुछ एक सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे चेयर, बुक, आइस, पेन एटसेट्रा. उसमें अगर आपने देखें तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली. एंड इन दिस केस ऑफ लिक्विड स्टेट दे हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट. एंड इन केस ऑफ गैसियस स्टेट दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे आर very loosely packed, as we can see in this diagram of water vapor. अगर आपने देखें तो volume की अगर बात करें तो volume solid state में volume क्या रहता है, fixed रहता है. liquid state में भी जो volume है वो क्या रहेगा, fixed रहेगा. और gaseous state में जो volume है वो fixed नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because they cover all the space which available there. जो वहाँ पे available है space उसको पूरा cover कर लेती है, जो gas होती है पूरा cover कर लेती है. And अगर अपने shape की बात करें, shape सॉलिड स्टेट के केस में शेप फिक्स रहती हैं, लिक्विड स्टेट में शेप फिक्स नहीं रहती हैं. इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. गैसीय स्टेट में भी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती. जैसे अपने 2 लीटर की कोई कोल्ड ड्रिंक की अपने बोतल लाते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वो 2 लीटर ही रहेगा. चाहे आप उसको कोई भी कंटेनर में डालोगे तो उसका जो वॉल्यूम है कितना रहेगा, फिक्स रहेगा. लेकिन उसकी जो शेप है वो उस कंटेनर पर डिपेंड करेगी जिसके अंदर अपन उसको डाल रहे हैं. जैसे बिकर में डाल दिया तो उसकी शेप बिकर जैसी हो जाएगी, बोतल में डाल दी तो बोतल जैसी हो जाएगी. लेकिन उसका वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा. उसकी शेप चेंज होती रहेगी वो, और वो किस पे डिपेंड करेगी, कंटेनर पे डिपेंड करेगी. और इसका एग्जांपल अपने समझ सकते हैं, जैसे जो परफ्यूम की जो बोतल होती है जो पूरी स्मेल है वो एक बोतल के अंदर रहती है. वैसे अगर अपने उसको ओपन कर देते हैं तो वो पूरी स्मेल, ऑल द अवेलेबल स्पेस जो कि अवेलेबल है, रूम पूरा रूम उसको वो स्मेल है वो कवर कर लेती है. तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, उसकी शेप भी फिक्स नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं. इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट इसमें ओनली वॉल्यूम फिक्स हैं, शेप फिक्स नहीं है. और इन केस ऑफ गैसियस स्टेट वहाँ पे नए वॉल्यूम फिक्स हैं और न ही शेप फिक्स हैं. अब अपने एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें अपने एक सिरिंज लेते हैं और उसका जो नोजल है उसको अपने क्लोज कर देते हैं रबर कोट से. उसका पिस्टन बाहर निकाल के यहाँ पे अपने आयरन पीस और आइस विच इज अवेलेबल देयर वो अपने इसके अंदर, यानी अपने यहाँ पे सॉलिड स्टेट का कोई भी एक एग्जांपल अपने यहाँ पे लेते हैं, सॉलिड स्टेट यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे अपने कोई लिक्विड स्टेट का कोई भी एक
मैटर यहाँ पे डाल लेंगे अपने, और यहाँ पे तीसरी जो सिरिंज है उसके अंदर अपने यहाँ पे जो एयर होती है वो अपने यहाँ पे डालते हैं। अब अपने यहाँ पे उसको दबाते हैं, अपने पुश करते हैं अपने, और कंपेयर करते हैं कि कौन से में अपने फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है अपने। तो अपने वी कैन फील यहाँ पे अपने इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट यहाँ पे अपने ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इजीली ये कंप्रेस नहीं होता है। इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट ये यहाँ पे कंप्रेस इजीली नहीं हो पाएगा, इसके कंपेरिजन ये ज़्यादा कंप्रेस होगा, पुश जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे इजी पुश यहाँ पे अपने कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर अरेंज है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी स्पेस है उनके बीच में, तो वहाँ पे अपने उनको क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण अपने जो आपने सुना होगा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस करते हैं, नेचुरल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और उसको कंप्रेस जब करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और किस में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। और काफ़ी क्वांटिटी में जो ये मॉलिक्यूल्स जो थे, पार्टिकल्स थे गैस के, उसको अपने कंप्रेस करके थोड़ी जगह में अपने उसको स्टोर कर सकते हैं, एक छोटे सिलेंडर में काफ़ी सारी गैस को स्टोर कर सकते हैं अपने। तो इस प्रॉपर्टी को अपने इन केस ऑफ CNG अपने काम में ले रहे हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने यहाँ पे काम में लेकर CNG में इसको कन्वर्ट करके और छोटे सिलेंडर में काफ़ी क्वांटिटी में अपने गैस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अपने इस एक्टिविटी के बेस पे अपने कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो नॉट मोर कंप्रेसिबल होते हैं, और एज कम्पेयर सॉलिड इन लिक्विड मोर कंप्रेसिबल होते हैं, और इन केस ऑफ गैसियस स्टेट दे आर हाईली कंप्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते और क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी शेप भी फिक्स रहती है। इसके कंपैरिजन अगर अपने लिक्विड में देखें तो दे हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो इनके बीच में एज कम्पेयर सॉलिड थोड़ा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, गैसियस स्टेट में, बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इस प्रॉपर्टी के कारण जैसे कोई गर्म फूड है किचन के अंदर अगर जैसे बन रहा है तो उस फूड की स्मेल काफ़ी दूर तक अपने फील कर सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण इसकी स्मेल काफ़ी दूर तक अपने फील कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? इसका आंसर होगा यस, कर सकते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।